नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद की बनावाली की मनीषा करेगी विश्व की सबसे ऊंची चोटी फतेह। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत एवरेस्ट पर झंडा फहराने का निर्णय लिया है। टीवी सीरियल माउंट एवरेस्ट से प्रेरणा लेकर के फतेह करने की ठानी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने के लिए जाने वाली फतेहाबाद की यह पहली लड़की है। मनीषा के पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल है। आपको बता दें कि मनीषा फिलहाल MBA की पढ़ाई कर रही है। 12 अप्रैल को मनीषा नेपाल के लिए चढ़ाई शुरू कर देगी। मनीषा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह कर यह संदेश देना चाहती है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। आज बेटियां समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सक्षम है। उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल को नेपाल से चढ़ाई शुरू कर दी जाएगी तथा जून माह में वापस भारत लौटेगी। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि हमारी सरकार शुरू से ही बेटियों को प्रोत्साहित करती आई है और उसी का परिणाम है कि आज हमारे ज़िले में फतेहाबाद की बेटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ तक पहुँचाने का काम कर रही है। हमारी शुभकामनाएँ मनीषा के साथ है और ऐसी प्रतिभावान बेटियों के लिए सरकार क्या कर सकती है उस पर भी विचार किया जाएगा ताकि बेटियों के हौसले को पंख लगाने का काम किया जा सके। आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद से राजेश भामू की विशेष रिपोर्ट। देखिए, हमारे लिए खास करके फतेहाबाद जिले के निवासियों के लिए, क्योंकि ये बेटी हमारे फतेहाबाद जिले के बनावाड़ी गांव की बेटी है, बहुत गर्व की बात है। वैसे तो सभी हरियाणा वासियों के लिए और देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि इसने इस छोटी उम्र में माउंट एवरेस्ट पर जाने का जो विचार किया और वो फतेह करने का विचार किया, बहुत बड़ी बात है। और ये एक जो संदेश लेकर के जाएगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो हरियाणा आए थे पहली बार, तो उन्होंने देश के सामने एक आह्वान किया था। बेटे और बेटियों की जो जन्म दर है वो बड़ा उसमें अंतर था, तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वो अभियान इसी प्रकार के सामाजिक आंदोलनों के कारण से सफल हुआ है और ये बेटी मनीषा वहाँ जाकर के माउंट एवरेस्ट पर जाकर के देश के प्रधानमंत्री को इस बारे में सैल्यूट करेगी कि उनकी अगुवाई में देश में इस अभियान को बल मिला है, गति मिली है। तो क्या लगता है कि जैसे कि सरकार को कोई ऐसी कोई स्कीम भी चलाएगी जो बेटियां जो है ऐसी अचीवमेंट करती हैं, उनको नौकरियां देना या उनको ऐसे पदों पर सम्मानित करना कि उनका जीवन व्यापन जो है अच्छे से। देखिए, पहले भी इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं सरकारों में हुई हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है एक बार सरकार को विश्लेषण करके कैसे उचित प्रकार से इस प्रकार के बच्चों को बच्चियों को इसमें प्रतिनिधित्व मिल सके, इस बात पर विचार करना चाहिए। एवरेस्ट पर जाना जो पर्वतारोहण है, सरकार इन सारी बातों के ऊपर विचार कर रही है कि किस प्रकार से इस प्रकार की जो एक्टिविटी है, खेल से अलग तरह की जो एक्टिविटी है, उनको इसमें समाहित किया जाए। मुझको इसकी प्रेरणा तो मैं टीवी सीरियल से हुई थी। मुझे टीवी सीरियल आता था माउंट एवरेस्ट, उसको देखी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं भी करूँगी ये, फिर वहाँ से लिया। सबसे खुशी, अब खुशी बहुत हो रही है। टाइम आ गया जाने का, 12 तारीख को मेरी स्टार्ट है और मैं नेक्स्ट मंथ कंप्लीट करनी है। मुझे जून में मैं वापस आऊँगी। दुनिया की सबसे ऊँची चोटी पर जाकर क्या संदेश देना चाहिए? मैं सबसे ऊँची चोटी पर जाकर ये संदेश दें, बेटियाँ किसी भी चीज़ में कम नहीं है, मतलब हर चीज़ में आगे हैं। मतलब ये चीज़ मानते हैं कि बेटे ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेटियाँ भी सब कुछ कर सकती हैं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।